मिश्रा सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज बुलेटिन में। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे जालौन की, जहां दुश्मन के दोस्त पर दबंगों ने किया धारदार हथियार से हमला। आगे बात होगी जशपुर की, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्राम पंचायत सीटोंगा की महिलाएं व पुरुष पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। साथ ही आगे चर्चा होगी रतलाम की, जहां भरे चौराहे पर दो युवकों ने की एक बुजुर्ग की पिटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। छतरपुर में गर्मी का सितम जारी है, सूरज की आग लोगों को जला रही है। जिले के नौगांव का आज का तापमान 46 डिग्री के पार जा सकता है, जबकि कल का तापमान 45 के पार था। आज से सीवर वेब हीट कंडीशन घोषित की गई है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी बढ़ने से व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वह लोग घर से बाहर निकलने के दौरान अपना चेहरा ढक कर निकलने को मजबूर हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि अभी गर्मी का सितम जारी रहेगा, इस महीने तापमान 47 तक पहुंच सकता है। सर, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम चल रहा है, तो नौगांव में सर किस प्रकार का टेम्परेचर, कैसी गर्मी पड़ रही है? नौगांव की बात करें तो आज से 24 मई तक सीवर हीट वेव कंडीशन घोषित की गई है, जिसके कारण यह नौगांव का जो तापमान है वो 42 से लेकर 47 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। सर, आज तापमान सर कितना हुआ? आज की तापमान की बात करें तो 46 या 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। सर, इस महीने में टेम्परेचर कितना जा सकता है? इस महीने में जो तापमान की बात करें तो 45 से 47 के बीच में ही रहने की संभावना है। सर, इस समय जो गर्मी पड़ रही है नौगांव में, उस गर्मी के हिसाब से सर आगे टेम्परेचर कैसा रहेगा? यदि गर्मी की बात करें तो 25 मई से 2 जून के बीच नौतप्पा शुरू हो जाएगा, और नौतप्पा में अच्छी खासी गर्मी पड़ने की संभावना है, लेकिन 27 से 28 मई में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहने की संभावना है। सर, नौगांव में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती क्यों है? क्योंकि नौगांव में इसलिए गर्मी पड़ती है क्योंकि ट्रॉपिक सा कैंकर यहीं से गुजरी हुई है, प्लस यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पथरीली क्षेत्र है, साथ ही साथ भूमि के निचले हिस्से में जो ग्रेनाइट की पत्थर है, जिसके कारण गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मैगू। नौगांव में इस समय गर्मी किस प्रकार की? अरे भाई साहब, गर्मी के लिए क्या कहना, गर्मी से बहुत परेशान है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। प्रदेश से सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है नौगांव में अपने, इसमें धंधे पानी में भारी असर पड़ रहा है। धंधा पानी देखो, कितने बोरा वोरा ढाके मूंदे रखे हैं हम फलों के ऊपर, कम से कम 10-12 बाल्टी पानी लग जाता है श्रीमान जी। और कोनू नगर पालिका से कोनू हेल्प नहीं मिलती है, टैंकर एंकर घूमे पानी के लिए, कुछ नहीं है श्रीमान जी। बहुत सरदार जी, इस समय नौगांव में किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर वगैरह कैसा है? बहुत ज़्यादा है, गर्मी से दुकानदारी पे भी असर है और लोग बाग निकल नहीं रहे गर्मी की वजह से घर से बाहर। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। क्या काम करते हैं आप? ताले का काम। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का डर भी नहीं लग रहा है। वहीं एक मामला जालौन के कटोरा थाना क्षेत्र के गणेशगंज का है, जहां इस्माइल नामक दबंग व्यक्ति ने अपने दुश्मन के दोस्त कादिर को अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला बोल दिया और उसको मरा समझ कर लहूलुहान हालत में दुश्मन के घर फेंक कर भाग गए। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो घायल कादिर को आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए झांसी रेफर कर दिया। घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने कोटरा थाने में शिकायत की तो थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि कोटरा थाना प्रभारी ने पैसा लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और हम लोगों को वहाँ से भगा दिया। बहरहाल पूरे मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है और दबंग लोगों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम पंचायत सीटोंगा के ग्रामीण आए दिन नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। वही नेता विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन गांव की समस्या दूर नहीं हुई।
जिससे नाराज ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सिटोंगा में काफी लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर सैकड़ों की संख्या में जशपुर मुख्यालय कलेक्ट्रेट जनदर्शन में आए ग्राम पंचायत सिटोंगा के लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं। हम लोग ग्राम पंचायत सिटोंगा के हैं और हम लोग के पास समस्या है सर कि हमारे ये मुख्यालय है जशपुर हम लोग का और मुख्यालय से 6 किलोमीटर सिर्फ अंतराल है हम लोग का ग्राम पंचायत सिटोंगा और उसमें नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क ना होने के वजह से हम लोग के यहाँ बहुत समस्या है। ये और इस समस्या को जितने भी हमारे गांव में बड़े अधिकारी भी आए, एमएलए भी कभी आए और कोई और छोटे से बड़े नेता लोग भी आए, सबसे हम लोग इसको बोले कि हम लोग के लिए ये समस्या है, बच्चे लोग के लिए और पंचायत के लिए हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आंगनबाड़ी 6-7 हो है, तो सबके लिए आजकल तो डिजिटल इंडिया में खाली नेटवर्क से ही काम होता है, हर चीज़ तो नेटवर्क से काम होता है सर, तो हम लोग के यहाँ अब नेटवर्क ही नहीं है तो इस वजह से सब समय समस्या। अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में बच्चे लोगों का स्कूल में स्कूल जाना तो नहीं था, स्कूल बंद था तो उन लोग को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, तो बच्चे लोग हम लोग के यहाँ ऑनलाइन पढ़ने के लिए जंगल पहाड़ी चट्टान कहाँ कहाँ अपना नेटवर्क खोजने के लिए ऊंचा से ऊंचा पहाड़ी में चढ़ जाते थे और वहाँ उन लोग अपना नेटवर्क खोज के पढ़ाई करते थे। और जिसके यहाँ अभी क्या चाहते हैं, अभी हम लोग नेटवर्क चाहते हैं, अभी नेटवर्क हम लोग के यहाँ सबके यहाँ तो बोल के देखे नहीं हो पाया, कोई नहीं हम लोग का सुनाई किया, सुने भी फिर भी नहीं हम लोग का काम नहीं हुआ, तो हम लोग ग्रामवासी महिला लोग सब लोग हम लोग चलो रे आज हम लोग नेटवर्क मांगने ही जाते हैं, टावर हम लोग के पास होना चाहिए। हम लोग कंपनी नहीं मांग रहे हैं, कोई सा कंपनी के लिए हम लोग कोई सा कंपनी हम लोग के यहाँ नेटवर्क दे दे, बस नेटवर्क चाहिए, यही हम लोग हैं। किसके पास है आज हम लोग यहाँ कचहरी में जनदर्शन कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कलेक्टर सिटोंगा से आए हैं, हम लोगों का समस्या है टावर नहीं है कि टावर चाहिए हम लोगों के लिए, सब बच्चे लोग इधर उधर फटकते हैं इसीलिए हम लोगों के लिए टावर चाहिए बोल के हम लोग पूरा महिला लोग आए हैं। किसके पास है? ए कलेक्टर के पास आए हैं। ग्राम पंचायत हम सिटोंगा के रहने वाले हैं, हमारे गांव इतना बड़ा है और साइड डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है हमारा गाँव, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क का समस्याएं बहुत पड़ी हुई है। कभी कोई दुर्घटना होती है तो हम नेट ढूंढते फिरते हैं, नेट के हमारा मिलता नहीं है, हम यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। स्कूल के बहुत सारे जो हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ स्कूल में भी बच्चे हैं तो उनको भी कोई पेपर देना हो या कोई जानकारी लेना हो या कोई वैकेंसी देखना हो तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ बच्चों को भी हमारे पास में ये समस्याएँ पड़ रही है, ताकि कोई भी ऑनलाइन कुछ भरना हो, फार्म भरना हो या हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी देखना हो तो ये सब चीज़ें हमारे को वहाँ साधन नहीं होने से नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है कोई हमारे भी सगे संबंधी दूर दूर में है, कोई भी उनके तरफ भी कोई भी प्रॉब्लम होने से या हमारे गांव में भी प्रॉब्लम होने से हम उनके बारे में जानकारी देने के लिए हम चाहें तो भी हम उनको नहीं दे पाते हैं क्योंकि नेटवर्क की समस्याएँ होती है। और जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं, कोविड के टाइम में हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी, पैसे की ज़रूरत पड़ी लेकिन हमारे पास में जितना पैसा था वो तो लग गया, उसके बाद में हमको गांव से मंगाना हो या यहाँ भेजना हुआ तो क्या हुआ, ऑनलाइन पैसा हम भेज नहीं सकते क्योंकि एटीएम में वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और हॉस्पिटल में तो तुरंत पैसा चाहिए वहाँ पर तभी जाके वो एडमिट करते हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में नेटवर्क का समस्या दूर हो, हमारे गाँव में जो और गाँव में जो टावर लग रही है BSNL का या जो भी हो दूसरा प्राइवेट भी, तो हमारे गांव में टावर लग जाए जब हमारे को नेटवर्क की समस्याएं दूर हो जाए, ताकि हम इंटरनेट से हमेशा हमारे संपर्क रहे, ताकि हम इंटरनेट से जुड़े रहें और जो भी हमारा जो इंटरनेट से जो माध्यम से काम होता है वो बराबर हमारे गाँव में मिलती रहे सुविधा, हम ये चाहते हैं। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सड़क विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली ने बेलगांव के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महाराष्ट्र सरकार से 4 माह पहले ही अपील की गई थी 2 TMC पानी कर्नाटक के कृष्णा नदी में बहने के लिए, लेकिन अब तक नहीं बहाया है।
राजापुर ध्याम से आ रहा पानी कैसे आ रहा है पता नहीं, शायद वोरफुल होकर आ रहा होगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आ रहा पानी बहुत ही कम है। ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೀರು ರಾಜಾಪುರವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸವರೆಗೆ. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅತನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ನೀರು ಕೊಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಇನ್ನು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದೆ, ಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದೆ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಹಣ ಕೊಡೋದ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದ್ರೆ ಅದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ರೀಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದಾರೆ ಅದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನ್ಯೂ ಸಂವಾದದಾತಾ ರಂಜಾನ್ ಮುಜಾವರ್ ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. रतलाम के रावटी में एक भरे चौराहे पर लोगों के सामने दो युवक एक बुजुर्ग युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। पिटाई इस कदर कि बुजुर्ग को सरेआम दोनों हाथों से उठाकर सड़क पर पटक देते हैं। बुजुर्ग मारपीट करने वालों से गुहार लगाता है कि मारू मत, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। भरे चौराहे पर कई लोगों के सामने बुजुर्ग से मारपीट होती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इस वीडियो के सामने आने के बाद रावटी पुलिस ने कार्यवाही की और वीडियो से पहचान कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विवाद आरोपी पक्ष के परिवार से युवती को भगाने के आरोप में बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार पर लगे और इसी कारण ये मारपीट बताई जा रही है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।